तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बिना किसी ऐप के अपने फोटोज में म्यूजिक ऐड कर सकते हो, मींस गाना डाल सकते हो, ताकि आप उसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह में पोस्ट कर सको। कुछ इस टाइप से आप एक फोटो या फिर मल्टीपल फोटोज को सेलेक्ट करके उसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हो। वैसे तो आपको प्ले स्टोर पे ढेर सारे ऐप्स मिल जाते हैं फोटो से वीडियो बनाने के लिए उसमें म्यूजिक के साथ, लेकिन आपको इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो अपने फोटो में कोई भी म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में फोटोज ऐप ढूंढ करके ओपन कर लेना है। फोटोज ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको उन फोटोज को सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप म्यूजिक ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक फोटो या फिर मल्टीपल फोटोज सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 4 फोटो सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बॉटम में यहाँ पे आपको ऐड टू का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मूवी पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको अपने फोटो से मूवी बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स वीडियो बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी फोटोज मैंने सेलेक्ट किए थे यहाँ पे मुझे लेयर बाय लेयर दिखाई दे देता है। जिस भी फोटो का जितना ड्यूरेशन आपको रखना हुआ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारे फोटोज का इक्वल ड्यूरेशन रखना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का दोनों का ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल फॉर्मेट में वीडियो को बना सकते हो। यहाँ पे आप बाद में और भी फोटोज ऐड करना चाहो तो ऐड फोटो पे टैप करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कैसे आपको म्यूजिक ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको म्यूजिक का आइकन दिखता है, इस पर टैप करना है। यहाँ पे आपको माई म्यूजिक का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप करना है। आपके मोबाइल में जितने भी म्यूजिक डाउनलोडेड होंगे या फिर रिकॉर्डेड होंगे उसका यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है, मीन्स कोई भी हिंदी बॉलीवुड गाना अगर आपके मोबाइल में डाउनलोडेड है तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एक म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑडियो को कम कर देता हूँ ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा म्यूजिक ऐड हो चुका है। अब मैं अगर प्ले करके दिखाऊं तो देख सकते हो फोटो चेंज भी होगा और म्यूजिक भी चल रहा। तो इस तरह से आपका स्लाइड शो वीडियो रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे आपको सिंपली सेव पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है कि आपका मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड है। और यहाँ पे अब आपको इस टाइप का देखने को मिल जाएगा अपने फोटोज के बीच में, मीन्स ये सारे नॉर्मल फोटोज हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इस फोटो के पास इस टाइप का वीडियो का आइकन दिख रहा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको 3 डॉट पे टैप करना है जो इस टॉप कॉर्नर में दिखता है, और यहाँ पे आपको डाउनलोड पे टैप करके डाउनलोड कर लेना है। तो अगर आपको कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाता है कि वीडियो इज स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड, ट्राई अगेन लेटर, तो अभी आपको इंटरनेट ऑन रखना है, अभी वीडियो को प्रोसेस किया जा रहा, मींस वीडियो कम्प्लीटली रेडी नहीं है। जैसे ही रेडी हो जाता है यहाँ पे आप डाउनलोड कर पाओगे। तो मैं थोड़ा देर वेट कर लेता हूँ। वीडियो का प्रोसेसिंग कम्प्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर इसे ओपन करके वापस इस 3 डॉट पे टैप करूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे टैप करता हूँ तो देख सकते हो मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे डाउनलोड कम्प्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मुझे लोकेशन भी पता चल जाता है कि कहाँ पे डाउनलोड हुआ है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग कम्प्लीट होने के बाद आप इसे शेयर भी कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस में। मान लो मुझे इसे किसी को शेयर करना हुआ व्हाट्सएप पे, तो यहाँ पे मैं इस 3 डॉट पे टैप करूँगा और जिस भी ऐप में मुझे शेयर करना हुआ उसे मैं वहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो यूजफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाय बाय, थैंक यू।